है उत्तर प्रदेश से अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिया गया है। तकरीबन डेढ़ दशक से ज्यादा वक्त गुजर चुका है जब मुख्तार अंसारी जेल में है, लंबे वक्त से जेल में है और अलग अलग मामलों में आरोपी है। और अब जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद जो मामले आए हैं इन मामलों की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। और इस वक्त एक जो चर्चित मामला है मुख्तार अंसारी जिसमें आरोपी है अवधेश राय हत्याकांड, उसमें उसे दोषी ठहराया गया है। अभियोजन जो है इसका मतलब यह हुआ कि वो 302 के गिल्टी मतलब गुनाहगार साबित हो गए हैं। अब 302 में उनको सजा सुनाई जाएगी। 302 आईपीसी जो होती है भारतीय दंड संहिता में, ये जी ये बताइए बताइए मुख्तार के साथ और कौन दोषी हुआ? देखिए मुख्तार, ये जो यहाँ पे मुख्तार अंसारी पे केस चल रहा था और मुख्तार अंसारी को ही अभी ऑनरेबल कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें दो मृतकों की मृत्यु हो चुकी है, जो अब्दुल कलाम जो उस वक्त थे वो मर चुके हैं और एक अक्यूज्ड और की मृत्यु हो चुकी है। दो अक्यूज जो राकेश नाइक है और एक उनका मुकदमा जो है इलाहाबाद में पेंडिंग है। मामले में अधिकतम क्या सजा हो सकती है? देखिए आईपीसी 302 में सिर्फ दो सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता 302 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति 302 में गिल्टी या गुनाहगार साबित होता है तो आजीवन कारावास या फांसी और पेनाल्टी। तो इसमें आजीवन कारावास मिनिमम होना ही होना है या तो फांसी रेयरेस्ट ऑफ केसेस में होती है। तो कोर्ट यदि चाहे तो इनको क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए फांसी की सजा भी दे सकती है। चूंकि ये इनका एक लंबा 45 साल का, ये सन 1988 में पलाम मर्डर सच्चानंद राय का गाजीपुर जिले में किए थे, तब से इनके ऊपर तमाम आरोप लगते गए। जी साथ साथ और कौन है आरोपी? जो आरोपित में राकेश नाइक है, भीम सिंह है, कमलेश सिंह है और अब्दुल कलाम है, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है और दो लोगों का मुकदमा इलाहाबाद में चल रहा है। एक मुख्तार अंसारी का मुकदमा यहां चल रहा था जिसमें वो साबित गुनाहगार साबित हुए हैं और 302 में उनको लंच बाद सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल, तो देखिये लंच के बाद यह सजा का ऐलान होगा और उससे पहले जो वकील वहां कोर्ट रूम में मौजूद थे वो हमसे बातचीत कर रहे थे। मुख्तार अंसारी समेत भीष्म पर ये दोष जो है वो सिद्ध हो चुका है और अब से थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। और सजा क्या होगी? क्या फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास? दो ही सजा का प्रावधान है आईपीसी के तहत और ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट पर हैं। इस वक्त कोर्ट के अगर आसपास की तस्वीरें दिखाई तो देखिए बेहद गहमागहमी का माहौल है और चारों तरफ पुलिस का पहरा है। यानी पूरी जो सड़क है ये खचाखच भरी होती थी, आज ये सड़क पूरी तरह से खाली नजर आ रही है और हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग भी की जा रही है और पुलिस का पहरा इस कदर है कि गेट पर किसी भी आदमी को आने जाने की अनुमति नहीं है। जो केस के सिलसिले में जा रहे हैं बकायदा उनकी आईडी प्रूफ चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही वहां पर उनको अनुमति दी गई है। यानी सीधे तौर पर अब सभी की निगाहें कोर्ट पर हैं और एक बार तस्वीरें अंदर की तरफ की दिखाते हैं, दरअसल किस तरफ जो है ये पूरा वाकया चल रहा है। देखिए कोर्ट रूम के भीतर अगर आपको तस्वीरें दिखाए तो ठीक इसी जगह पर यहीं पर फैसले की जो घड़ी है उसी का इंतजार किया जा रहा है और हर कोई वहां पर टकटकी लगाए खड़ा है। यानी अब से थोड़ी देर में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आना है और मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये फैसला जब आएगा तो ये देखना होगा कि फैसले में क्या कुछ होता है। 32 साल लग गए इस पूरे फैसले को आने में, फाइलें दबी रही। मुख्तार अंसारी ने गवाहों को गवाही देने से पूरी तरह रोका, धमकाया और उसके बाद लगातार जो है आज ये स्थिति आ गई है कि 2005 से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 61 मुकदमे दर्ज है जिनमें ज्यादातर हत्या के मामले हैं। नित्यानंद राय की हत्या उस वक्त हुई जब वो अपने आवास के पास जा रहे थे, लहुराबीर में चेतगंज इलाका था, वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा और ऐसे में अब वो मामला जो है आज इस नतीजे तक पहुंचा है कि 32 साल इस पूरे मामले में आज फैसले का ऐलान है। और देखिये यहां पर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है, किसी को भी कोर्ट रूम में